हेलो एवरीवन सो टुडे इस टॉपिक इज़ स्लीप डिसऑर्डर्स काफ़ी छोटा सा टॉपिक है जल्दी से हो जाएगा स्लीप क्या होती है स्लीप इज़ अ फिजियोलॉजिकल रिवर्सिबल रिडक्शन ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस इसका मतलब ये है जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस होती है अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए या फिर रिड्यूस कर दिया जाए हमारी बॉडी के फंक्शन के थ्रू उसी को हम स्लीप कहते हैं ठीक है थीके? अब जो स्लीप डिसऑर्डर्स है ये बेसिकली दो सब टाइप्स में है सबसे पहले डिस्तोमनियास दूसरा है पैरासोमियाज डिसोमियाज में हमारे पास आता है इंसोमिया हाइपरसोमनिया डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल पैरासोम्निया में हमारे पास दो आते हैं स्टेज फोर्थ डिसऑर्डर एंड अदर डिसऑर्डर तो सबसे पहले हम डिसोमिया तो का सबसे पहला इंसोमिया देखते हैं तो इंसोमिया में पेशेंट को स्लीप इनिशिएट करने में और मेंटेन करने में दिक्कत आती है मतलब उनसे सोया ही नहीं जाता है और अगर सो भी गए तो वो चीज़ मेंटेन नहीं हो पाएगी लंबे टाइम तक नहीं सो पाएंगे नींद खुल जाएगी ठीक है इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं अगर हम मेडिकल इलनेस की बात करें तो अगर पेशेंट को बहुत पेनफुल या फिर अनकम्फर्ट करने वाली इलनेस है जैसे कि बैक पेन हो गया हार्ट डिजीज है पेशेंट को या फिर रेस्पायरेटरी डिजीज़ है ब्रेन स्टैम और हाइपोथेलमिक लीजन है डेलीरियम है रूमेटिक एंड अदर मस्क्यूलो डिजीज है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेन होता है जॉइंट्स में पीरियॉडिक मूवमेंट इन स्लीप है ओल्ड एज है बुढ़ापे में भी नींद कम हो जाती है या फिर पेशेंट अल्कोहल एंड ड्रग का यूज़ करता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है डिलीरियम ट्रेमेंस हो सकता है अदर स्टिमुलेंट्स का अगर वो यूज़ करता है जैसे कि एम्फिटामीन्स क्रोनिक एल्कोहलिज़म है अब ये डिलीरियम ट्रेमेंस क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं मतलब कोई पर्सन बहुत अल्कोहल इनटेक करता था और बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता था और एकदम से उसने वो लेना छोड़ दिया इसके बाद मतलब इसमें इतने सीवियर सिम्टम आते हैं एकदम तुम उसको सबसे ज़्यादा लेवल कह सकते हो विड्रॉल का जैसे कि फ़ीवर होता है सीजर्स आते हैं वॉमिटिंग होती है ट्रैमर्स होता है हाइपर होती है बहुत सारी चीज़ें होती है हेलूसिनेशन और डिल्यूजनस बहुत चीज़ें होती हैं अब हम देखते हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी नींद को जो मेनिक पेशेंट होते हैं ना उनको बहुत कम नींद आती है मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी नींद नहीं आती क्योंकि मतलब वो सो तो जाते हैं रात को पर सुबह वो काफी जल्दी उठ जाते हैं जितना वो नॉर्मली उठते थे उसे दो घंटे ही पहले उठ जाते हैं वो डिसाइमिया वाले पेशेंट्स को जिस जिस क्या होता है जिसमें परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशन होता है जिन पेशेंट में न्यूरोटिक डिप्रेशन वाले पेशेंट को सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को या फिर जिनमें सीवियर साइकोसिस है या फिर एंगजाइटी डिसऑर्डर है अब सोशल कोजेस क्या क्या हो सकती हैं इंसोमिया की तो उसमें फाइनेंशियल लॉस हो गया किसी को या सेपरेशन और डाइवोस हो गया डेथ ऑफ स्पाउस और क्लोज रिलेटिव रिटायरमेंट स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन बिहेवियरल कॉजेस में क्या कह सकती है जैसे कि अगर आप दिन में सो जा रहे हैं इररेगुलर स्लीपिंग आवर्स है आपके लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है एक्सेसिव इनटेक ऑफ बेवरेजेस इन द इवनिंग है जैसे कि कॉफ़ी उसके बाद डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट है इसकी बहुत गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है या बहुत ज़्यादा नोइस हो रही है इन्वायरमेंट में ठीक है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है सबसे पहले हमें एक थोरो मेडिकल एंड साइकेट्रिक असेसमेंट करना होगा ये जानने के लिए कहीं कोई मेडिकल कोई डिसऑर्डर या फिर कोई डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट में या फिर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है और हमें पॉलीसोमनोग्राफ़ी भी करनी है ये क्या होती है स्लीप स्टडी होती है पेशेंट का स्लीप पैटर्न ये सब देखते हैं इसके अंदर तो इससे हमें एक ये नॉलेज मिल जाएगी कि आखिर कॉज क्या है होने की हमें फिर उसे ट्रीट करना है ठीक है और जो हमें विड्रॉल करना है जो करंट मेडिकेशन चल रही है पेशेंट का क्योंकि उससे भी इनसोमिया हो सकता है कुछ उस मेडिकेशन की वजह से उसके बाद हमें क्या करना है कि हिप्नोटिक्स दे सकते हैं हम लोग पेशेंट को और नॉन ड्रग ट्रीटमेंट में हम लोग प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं और हम पेशेंट को बताएंगे ऑटो सजेशन टेक्निक क्या होती है ये पेशेंट को हम सिखाएंगे इसमें क्या होता है कि मतलब पर्सन की बॉडी खुद ही अपने आप को सजेस्ट करती है कोई चीज़ उसका माइंड और फिर उसकी बॉडी को वही चीज़ करनी होती है इसी को ऑटो सजेशन कहते हैं जैसे पर्सन का जो माइंड है वो बोलेगा कि अब आपको सो जाना चाहिए तो उसकी बॉडी क्या करेगी वो खुद को स्लीप में डाल देगी इसको ऑटो सजेशन टेक्निक कहते हैं देन ये एक प्लेसिबो इफेक्ट की तरह होता है मेडिटेशन और योगा भी सिखाएंगे हम पेशेंट को स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी करवा सकते हैं इसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल जैसे हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप कुछ पढ़ें या फिर चैटिंग ये सब ना करें बेड पे जब भी आप जा रहे हैं बेड पे सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाएं देन स्लीप हाइजीन में हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे थोड़ा बॉडी और जो माइंड है वो टायर्ड भी हो जाता है तो नींद आराम से आ जाती है क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे दिन भर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कहाँ से नींद आएगी बॉडी तो एग्जॉस्ट हुई नहीं है बॉडी में तो अभी बहुत एनर्जी है फिर है हमें फ्लूड इनटेक और हैवी मील्स को अवॉइड करना है बेड टाइम से एकदम पहले मतलब जस्ट बिफोर स्लीपिंग हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है देन कैफीन इनटेक अवॉइड करना है कोल्ड ड्रिंक ऐसी बेवरेजेस अवॉइड करनी है जो कि हमारा सी एन एस स्टिमुलेंट होती हैं ठीक है फिर हमें टेलीविज़न या फिर कुछ भी रीडिंग वगैरह ये सब भी अवॉइड करनी है सोने से पहले हम बैक रब्स करवा सकते हैं पेशेंट का या फिर वॉम मिल्क दे सकते हैं मतलब तो जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे देन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताएंगे हम पेशेंट को और उनको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए कहेंगे स्लीप के वक्त बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं होनी चाहिए इन्वायरमेंट में या फिर बहुत ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए डार्क रूम होना चाहिए ठीक है अब हमारा हाइपर सोमनिया हाइपर सोमनिया का मतलब होता है एक्सेसिव सोमनोलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना एक नॉर्मल होती है हमारी सिक्स टू तो सेवन आर्स एट नाइन तक भी चल जाती है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आर्स होते हैं और स्लीप ड्रंकनेस होती है मतलब अगर पर्सन एक बार सो गया है तो उसको उठने में बहुत दिक्कत होगी मतलब बहुत मुश्किल से उठेगा ठीक है और उठने के बाद उसको बहुत कन्फ्यूज़न डिसोरियनटेशन होगा और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होती है बहुत ज़्यादा दिन में नींद आती है स्लीप अटैक्स आते हैं मतलब पर्सन कभी भी सो जाता है कभी भी कहीं पे भी तो इसकी कॉजेस क्या क्या हो सकती है पहली तो नार्कोलैप्सी नार्कोलैप्सी में हमारी तीन चीज़ें आती हैं सबसे पहली एक कैटाप्लेक्सी कैटाप्लेक्सी क्या होता है जो पर्सन होता है इसमें जो पेशेंट है वो कहीं पर भी सो जाता है कभी भी मतलब उसकी स्लीप कभी भी इंड्यूस हो जाती है स्लीप पैरालिसिस भी कह सकते हैं हम इसको पर वैसे स्लीप पैरालसिसिस एक दूसरी चीज़ है मतलब पूरी बॉडी एक तरह से पैरालाइज हो जाती है मसल टोन पूरी वीक हो जाती है और पर्सन को नींद आ जाती है स्लीप अटैक आ जाता है अब चाहे वो इवन स्विमिंग पूल में स्विमिंग क्यों ना कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो खाना बना रहा हो कहीं पर भी उसको नींद आ जाएगी और ये थोड़े पीरियड तक के लिए उसको नींद आती है फिर वो पर्सन उठ जाता है ऐसा फोर्टीन से फिफ्टीन कितने भी टाइम हो सकता है एक दिन में फिर है स्लीप पैरालिसिस इसमें क्या होता है जो पर्सन का माइंड है वो इस स्टेट में होता है जैसे कि हम एक स्विच है उसको ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं लेकिन अगर वो बीच में अटक गया तो कभी आपने ये ट्राई किया है यही होता है हमारी नींद के बीच में मतलब ना हम उठे होते हैं पूरे ना हम पूरे सोए होते हैं हमारा जो माइंड है वो तो एक्टिव होता है उस टाइम लेकिन हमारी बॉडी नहीं उठी होती है वो एकदम साइलेंट रहती है तो हमारा माइंड क्या करता है हमारा माइंड बोलता है कि आप मुँह से आवाज़ निकालो पर हमारी आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि हमारी बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही है हमारा माइंड बोलता है कि सांस लो पर हमारी बॉडी सांस भी नहीं ले पाती है हमारा माइंड बोलता है कि अपने हाथ को हिलाओ पर हमारी बॉडी नहीं कर पाती है पूरी मसल टोन वीक हो जाती है मतलब एक तरह से इंसान पैरालाइज हो जाता है उसको होश होता है लेकिन वो कुछ मूव या फिर कुछ भी नहीं कर सकता और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में नेक्स्ट है हिपनागॉगिक हेलोसिनेशन ये भी सेवेंटी परसेंट लोग एटलीस्ट एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में इसमें क्या होता है जैसे ही पर्सन सोने के लिए जाता है तो उसको हेलोसिनेशन सोने लग जाते हैं जैसे कि किसी किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे आसपास भूत है उनको ऐसे वो दिखते हैं ऐसे डायग्राम्स वगैरह ऐसी चीज़ें दिखती हैं वो एक्चुअल में होता नहीं उनको खाली हेलूसिनेशन होता है सोने से पहले दूसरी चीज़ आती है हमारे पास ये सब तो थी नार्कोलेप्सी में अब आता है स्लीप एपनिया तो किसी किसी को क्या होता है कि सोते टाइम एपनिक फेज आते हैं मतलब बीच बीच में जो ब्रीदिंग होती है उसका एब्सेंस होने लग जाता है ठीक है फिर किसी को क्लाइन लेवन सिंड्रोम भी होता है इसमें हाइपरसोमिया के पीरियड्स चलते रहते हैं या फिर एपिसोड्स चलते रहते हैं नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ स्लीप एक शेड्यूल इसमें क्या होता है जो पर्सन है वो जब सोना चाहता है तब वो नहीं सो पाता है और वैसे वो सो जाता है और अच्छे से सोता है लेकिन जब उसका मन करता है ऐसा नहीं होता कि हम लोगों का जब मन करता है हम सोने के लिए जाते हैं और सो जाते हैं लेकिन ये लोग ऐसे नहीं सो पाते हैं ये क्या कॉजेज होती है इसकी जैसे वर्क शिफ्ट अनयूजल स्लीप फेजेस ठीक है स्टेज फोर्थ स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है हमारी जो स्लीप है वो फाइव स्टेजेस में हमने डिवाइड की हुई है ह्यूमंस ने तो उसका जो स्टेज फोर्थ होता है उसमें ये डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि स्लीप वॉकिंग जिसको सोमनाबलिज्म भी कहते हैं रात में चलना नाइट टेरर्स रात में डर लगना स्लीप रिलेटेड एन्यूरेसिस मतलब अपने बेड पे ही यूरिन कर देना यूरिनेट कर देना ब्रुक्सिजम जिसमें कि टूथ ग्राइंडिंग करता है पेशेंट स्लीप टॉकिंग जिसको सोमनीलोक्यू कहते हैं अदर स्लीप डिसऑर्डर्स में हमारे पास आते हैं नॉकटोनल एंजाना मतलब चेस्ट पेन होता है बहुत ज़्यादा रात को नोकटोनल ऐजमा ऐज्मा हो जाता है रात को नाक्टूर्नल सीजर्स रात को सीजर्स हो जाते हैं स्लीप पैरालिसिस सो आवर टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड नाउ ओके बाय